एफएम गोल्ड की आरजे रेखा के काव्य संग्रह मुझसे कहते तो का भव्य लोकार्पण संपन्न हुआ। सुप्रसिद्ध रेडियो जॉकी, वॉइस आर्टिस्ट और टीवी एंकर आरजे रेखा के प्रथम कविता संग्रह मुझसे कहते तो का लोकार्पण इंडिया इंटरनेशनल सेंटर सेमिनार हॉल के सभागार में संपन्न हुआ। नमस्कार, सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के सभागार में उपस्थित सभी अतिथिगणों का अभिनंदन करता हूँ। साथ ही मैं रेखा जी का भी आभार व्यक्त करना दीप प्रज्वलित करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें जरूर ऐसी होती हैं जब हम एक पुस्तक को लिखते हैं तो उसके अंदर समाहित क्या क्या होता है। मुझे अक्सर ये उत्सुकता रहती थी कि यहाँ जो महान विभूतियां बैठी हैं कि मैं उनको जान सकूं, कैसे मैं उनके अंतर मन में उतर सकूं कि मुझे ये पता चल पाए कि उनके अंदर चल क्या रहा, कैसे किसी के मन को मैं पढ़ सकूं। लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते थे, लोग इतनी सराहना करते हैं, तो आखिर करते क्यों, क्या है इनमें ऐसा। लेकिन जैसे जैसे इनके शब्दों को जब हम पढ़ते हैं तो वैसे वैसे इनके व्यक्तित्व के अंतर मन में हम उतरते चले जाते हैं, तब हमें पता लगता है कि हम तो गहराई छोड़िए, हम तो किनारा भी नहीं छू पाते। ये वो महान विभूतियां हैं जिनके छोर को पकड़कर हम अपनी जिंदगी तय करते हैं, और अगर हमने इनको पढ़ा ही नहीं तो हम इनको कभी समझ भी नहीं सकते। तो कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग किताबें रखने के शौकीन तो होते हैं, जानते हैं कि बिना किताबों वाला जो कमरा है वो बिना शरीर के आत्मा की तरह होता है। इसी तरह ये जो प्रांगण है ये एक मंदिर की तरह है। आज अगर ये महान विभूतियां ना हो तो ये प्रांगण अधूरा सा लगता है। तो आप सभी को हम नमन करते हैं सर। और जो यहाँ पर मुख्य अतिथि हैं, हमारे विशेष अतिथि मौजूद हैं, उनके जरिए उस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आप सभी को। तो हमारे लिए उन शब्दों को जानना बहुत जरूरी होगा, तो जोरदार तालियों से स्वागत करें। एफएम गोल्ड की आरजे रेखा के काव्य संग्रह मुझसे कहते तो का भव्य लोकार्पण संपन्न हुआ। सुप्रसिद्ध रेडियो जॉकी, वॉइस आर्टिस्ट और टीवी एंकर आरजे रेखा के प्रथम कविता संग्रह मुझसे कहते तो का लोकार्पण इंडिया इंटरनेशनल सेंटर सेमिनार हॉल के सभागार में संपन्न हुआ। अद्भुत मौका है। 1, 2, 3, yeah! पकड़ लीजिए। सबने अपनी अपनी पुस्तकों के लिए बहुत बेहतरीन बातें भी कही हैं। बड़े विचारक जो रहे हैं, उन्होंने कहा कि किताबें सभ्यता की वाहक हैं, किताबों के बिना इतिहास मौन है, साहित्य गुंगा है, विज्ञान अपंग है, विचार और अटकलें स्थिर हैं। ये परिवर्तन का इंजन है, विश्व की खिड़कियां हैं, समय के समंदर में खड़ा प्रकाश स्तंभ है। रेखा जी को ढेरों शुभकामनाएं, और यूं ही आप निरंतर लिखते रहें ऐसे हम उम्मीद करते हैं। और ये तालियां तब तक नहीं रुकनी चाहिए जब तक उनको समझ सकते हैं। रेखा जी, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। मैं चाहूंगी कि सब लोग अपनी अपनी सीट्स ले लें। और इतना खूबसूरत है, ये आपके
अंदर की जो मार्मिकता है उसको दर्शा रहा है। हौसला अफजाई करिए, जोरदार ताली। सर शुरू करूंगी यहीं से कि ये मेरे दिल की धड़कन है जो कागज पे उतारी है, पढ़ो दिल से या रहने दो, ये मर्जी अब तुम्हारी है। और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आप अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ पे पहुंचे हैं। बहुत सारे और भी एक्सपेक्टेड थे अतिथि जो नहीं पहुंच पाए किसी मजबूरी की वजह से, तो मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि वो अपना आशीर्वाद मुझे दूर से भेज रहे हैं। और यहाँ पर जो भी मंच पे अतिथि आसीन है उनकी वजह से इस मंच की शोभा बढ़ जाती है, इस सभागार की शोभा बढ़ जाती है। बहुत दूर दूर से हमारे श्रोता यहाँ पहुँचे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरी स्कूल टीचर्स यहाँ पे हैं और विभिन्न विषयों को अपने में समेटे 70 महत्वपूर्ण कविताओं से सजे संकलन का लोकार्पण फिल्म मीडिया और साहित्य जगत के प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों ने किया। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में जाने माने फिल्म अभिनेता और रंगकर्मी राकेश बेदी, मारवाह स्टूडियो नोएडा के चेयरमैन संदीप मारवाह, वरिष्ठ साहित्यकार लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, सुप्रसिद्ध कवि पंडित सुरेश नीरव, शिक्षाविद कवि एवं उद्भव संस्था के चेयरमैन डॉक्टर विवेक गौतम और लेखक अभिनेता एवं निर्देशक जाहिद एम शाह मंच पर उपस्थित थे। FM गोल्ड और BBC से जुड़ी RJ रेखा ने अपनी आवाज और उपस्थिति दुनिया के अनेक महत्वपूर्ण आयोजनों और उत्पादों के प्रचार प्रसार में दी है। उनकी कविताओं के संदर्भ में भी उपस्थित साहित्यकारों का स्पष्ट मत था कि उनमें एक अच्छी कवियत्री बनने के तमाम गुण और विद्यमान हैं और उन्हें निरंतर लिखना जारी रखना होगा। तो मैं सभी का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं और मैं चाहूंगा मुझे सभी का इंट्रोडक्शन देने का काम सौंपा गया है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी ऐसा है जिसको इंट्रोडक्शन की जरूरत है। मैं चाहूंगा पहले रेखा जी मंच पे आए और पहले आप मंच पे आ जाइए। अब मैं श्री रणवीर गहलोत जी को बुलाऊंगा मंच पे, और कृपया मंच पे आए सर। सर कुछ अलग से गिफ्ट, स्पेशल गिफ्ट देना चाहते हैं RJ रेखा जी को। ये सरप्राइज था। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये आपका नाम ही गहलोत, अच्छा सोचते हैं आप। सरप्राइज देने की वो हमेशा ऐसे ऐसे सरप्राइजेस देते रहते हैं और मुझे ही नहीं सभी को देते हैं टीम में। फिल्म सिटी से शुरुआती दौर से जुड़े डॉक्टर संदीप मारवाह, जो पिछले 31 वर्षों से मारवाह स्टूडियो को अपनी मेहनत के बल पर कहां से कहां ले आए हैं, इसी के अंतर्गत 50 न्यूज मेकर्स की सूची में डॉक्टर संदीप मारवाह को सबसे प्रसिद्ध मीडिया शख्सियत के रूप में नामित किया है। AAFT यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर संदीप मारवाह इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष भी हैं। डॉक्टर संदीप मारवाह जी आज बुक लॉन्च के लिए हमारे इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं और हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और समय देने के लिए आभार भी व्यक्त करते हैं। ये इंट्रोडक्शन का आइडिया बहुत खूबसूरत लगा, उसके लिए मुबारक सबसे पहले तो। बहुत लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं और सारी बातें जो हैं उनकी सोच में खत्म हो जाती हैं, क्योंकि किसी मकाम पे पहुंचने के लिए सिर्फ इच्छा ही नहीं बल्कि कर्मों की भी जरूरत होती है, ये मैंने हमेशा माना है। और उसके लिए मतलब विलिंगनेस हैज टू बी बैक्ड एंड सपोर्टेड बाय एबिलिटी।
और वो एबिलिटी में समझता हूं कि आज रेखा जी ने दिखा दी है कि कई महीनों से शायद ये सोच रही होंगी, कई बार तो साल गुजर जाते हैं कि मुझे किताब लिखनी है, संग्रह इकट्ठा करना है, कहते सुनते, क्योंकि मैं तो इतने लोगों को मिलता हूं, कई लोग 15-15 साल से विचार कर रहे हैं कि मुझे किताब लिखनी है, लेकिन नहीं कर पाते। तो सबसे पहले तो मैं रेखा जी को इसी बात के ऊपर फिर मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने करके दिखा दिया। मैंने चंद पलटे कागज के और यहां देखे तो देखा कविताएं हैं, और 2-3 कविताओं पर मैंने नजर डाली। मुझे लग रहा है कि आज मेरे हाथ कविताओं का यह संग्रह जो है मेरे लिए ये ग्रंथ का काम करेगा, क्योंकि मैं तो ढूंढता रहता हूं ऐसी किताबें जहां कविताएं छपी हैं, क्योंकि कविता पढ़ने, कविता बोलने, कविता लिखने का कहीं छोटा मोटा शौक मैं भी फरमाता हूं। अब मैं अगला नाम बुलाना चाहूंगा, श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी को। देश के एक प्रसिद्ध कवि, गजलकार और लेखक हैं, जो आकाशवाणी में उप महानिदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं। वेनेजुएला, आयरलैंड एवं दुबई आदि बहुत से देशों में हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करने वाले कवियों में इनका नाम शुमार है। देश विदेश की पत्र पत्रिकाओं में इनकी कविताएं, गजलें एवं लेख प्रकाशित होते रहते हैं। इनका गजल संग्रह खुशबू तो बचा ली जाए साहित्य जगत में बहुत प्रसिद्ध हुआ है। इनको विभिन्न सम्मानों से सम्मानित किया गया है, जिसमें हिंदी अकादमी दिल्ली का बाल साहित्य सम्मान, राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान, भारतेंदु सम्मान आदि प्रमुख हैं। इनकी रचनाओं का देश विदेश की बहुत सी भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। आज बुक लॉन्च के लिए हमारे इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और समय देने के लिए आभार भी व्यक्त करते हैं। वाजपेयी जी, मैं चाहता हूं कि आप बाकायदा कवि बने। ये आरजे है, जो भी है, मैं डायरेक्ट डीडीजी था, क्या था, वो सब पापी पेट के लिए कुछ करना पड़ता। भारत में तो आप स्वतंत्र कविता लेखन करके जी नहीं सकते, ये व्यवस्था है हमारी। और कवि बनना मतलब एक बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है। कविता में दो ही चीजें हैं, कंटेंट और शिल्प। कंटेंट के स्तर पर आपको ये करना कि ये जो आपका संग्रह है, इसमें अभी आप बीती और जग बीती, अभी 80-20 का औसत बनता है, करीब करीब 70-30 कह सकते हैं, तो वो बदल जाना चाहिए। और वो जो है ना, कि लफ्ज़े मोहब्बत का इतना सा अदना सा फसाना है, सिमटे तो दरे आशिक और फैले तो जमाना है। हाथनी वाला जो दर्द है वो, ये पूंजी किसके पास है? हमारे तो करोड़ों लोग देखते रहते हैं, उनको महसूस करना और संवेदना, इससे बड़ी पूंजी कोई हो ही नहीं सकती। अगर ये पूंजी आपके पास है तो फिर क्या, फिर तो कविता का अक्षय स्रोत, अक्षय भंडार आपके पास है। आप बहुत श्रेष्ठ रचनाकार बन, खाली कवि नहीं, आप श्रेष्ठ कवि बनने की सारी क्षमताएं आपके पास हैं। धन्यवाद वाजपेयी जी। मैं रेखा जी को आमंत्रित करना चाहूंगा स्टेज पे, और एक वो अपनी कविता पढ़ना चाहती है। ये कविता है जो मैं गहलोत जी के खास रिक्वेस्ट, अब इसके पीछे का क्या सरप्राइज है, वो जो आदत है उनकी सरप्राइज देने की मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि इसके पीछे भी जरूर कुछ छुपा हुआ है उनका। उन्होंने स्पेशली कहा है कि ये कविता पढ़ो तुम। तुम्हारे जहन से मुझको मिटा सको तो कहो, तुम्हारे जहन से मुझको मिटा सको तो कहो, मेरी तस्वीर जो दिल से हटा सको तो कहो। जो भूल पाओ मुझे याद ना करो फिर से, जो भूल पाओ मुझे याद ना करो फिर से, कसम ये आज उठाकर निभा सको तो कहो। किया है प्यार जो मैंने तुम्हें कभी तुम भी, किया है प्यार जो मैंने तुम्हें कभी तुम भी, बिना कहे जो नजर से जता सको तो कहो। या तो ये मान लो तुमको है मोहब्बत हमसे, या तो ये मान लो तुमको है मोहब्बत हमसे, राह में छोड़ के या फिर जो जा सको तो कहो। मैं टूट जाऊं, बिखर जाऊं, दूर हो जाऊं,
मैं टूट जाऊं, बिखर जाऊं, दूर हो जाऊं, एक भी दिन जो मेरे बिन बिता सको तो कहो। करोगे याद जो यादों को खंगालोगे कभी, करोगे याद जो यादों को खंगालोगे कभी, धूल यादों को बनाकर उड़ा सको तो कहो। तुम्हारे जहन से मुझको मिटा सको तो कहो, मेरी तस्वीर जो दिल से हटा सको तो कहो। और मैं चाहूंगी कि ये लोग भी जिन्होंने मुझे कविता पढ़ने को कहा वो मंच पे आए और अब वो क्या कहना चाहते हो वही बताएं। क्या बना रखा है ब्रेन देखो। सबसे पहले मैं छोटी बहन को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इतना बड़े मंच पे ये हम लॉन्च कर रहे हैं कविता काव्य संग्रह। ये कविता मैंने पहले पढ़ ली थी सारी किताब उनकी, ये कविता मैंने छाटी थी। मैंने क्यों छाटी थी मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरा एक प्रोडक्शन हाउस है गयालक्ष्मी प्रोडक्शन हाउस, उस प्रोडक्शन हाउस के तहत मैं इसको एक म्यूजिक लॉन्च बनाना चाह रहा हूँ, म्यूजिक गाने के तहत एक वीडियो एल्बम बनाना चाह रहा हूँ जिसका मैं पोस्टर भी लॉन्च करने जा रहा हूँ। हमारे बीच आर्टिस्ट जो अभी हाल ही में एक सीरियल चल रहा है टीवी में परशुराम, उसके अंदर भी वो काम कर रही है। अभी अपने व्यस्त काम छोड़कर दिल्ली आई है इस पर बॉम्बे से, तो मैं चाहूँगा मंच पे आए और फिर हाथी मामला पोस्टर को लॉन्च करें। सरप्राइज देने की आदत है, सबसे ज्यादा गहलोत जी में ही मिली है मुझे आसपास, वो कब कैसे चौंका दे पता नहीं चलता है। प्रिया मैं चाहूंगी कि आप मंच पे आए। और इसका टाइटल है भुला सको तो कहो, यही कविता जो मैंने अभी पढ़ी इसे एक गाने के तौर पे हमारे ज्ञान लक्ष्मी प्रोडक्शन की तरफ से इसे लाया जाएगा और प्रिया इसमें लीड एक्ट्रेस होंगी। इस मौके पर ज्ञान लक्ष्मी प्रोडक्शन द्वारा बनने जा रही एक म्यूजिक एल्बम भुला सको तो कहो सॉन्ग का पोस्टर भी लॉन्च किया गया जो इसी बुक की एक कविता है जिसमें एक्ट्रेस प्रिया सिंह लीड भूमिका अदा करेंगी जिसके निर्माता रणवीर गहलोत होंगे। ये वीडियो एल्बम जल्दी ही बॉम्बे में शूटिंग स्टार्ट होगी इसकी, और मैं अगला नाम बुलाना चाहूंगा श्री सुरेश नीलो जी। सुरेश नीलो सुप्रसिद्ध कवि सुरेश नीलो देश के एक प्रख्यात साहित्यकार और पत्रकार हैं। लगभग 3 दशकों तक हिंदुस्तान टाइम्स की मासिक पत्रिका कादंबरी के संपादन मंडल से संबद्ध रहे हैं। श्री नीलो 26 से अधिक देशों में हिंदी का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इस कवि के सृजनात्मक खाते में 7 टीवी सीरियल और 22 पुस्तकें दर्ज हैं। भारत के राष्ट्रपति से सम्मानित श्री नीरो को प्रधानमंत्री द्वारा मीडिया इंटरनेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया है। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित नवम विश्व हिंदी सम्मेलन में भारत सरकार के प्रतिनिधि मंडल में भी आपको बतौर कवि शामिल किया गया। अनेक सम्मानों से अलंकृत सुरेश नीरो जी हमारे इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित हैं। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। जो गुरु प्रधान होता है कविता वही लिखता है, और गुरु जो होता है वो थोड़ा सा ग्रोथ तो देता है, ग्रेविटी देता है, और ग्रेविटी में संकोच होता है, एक शाइस्तगी होती है। तो ये शाइस्तगी मैं देखता हूँ रेखा जी में, जो वे कहती है कि मैं कवित्री नहीं हूँ। कवित्री तो आप हैं, क्योंकि ये कहना पड़े कि मैं कवित्री हूँ तो ये सबसे बड़ी असमर्थता है। कभी कोई कहे कि मैं कवित्री हूँ, आप कहें कि मैं कवित्री नहीं हूँ और लोग कहें आप कवित्री हैं, तो यही आपके लिए लोक मान्यता है, यही लोकार्पण है। और आज आपके उस कविता का, उस अस्तित्व का, आपके व्यक्तित्व के उस आयाम का भी लोकार्पण हो रहा है, जहाँ लोग देख रहे हैं कि ये सहज सिर्फ महज आरजे नहीं है, रेडियो जॉकी नहीं है, बल्कि उससे भी कुछ अलग चीज है जिन्हें सीधा वाग देवी सरस्वती का वरदान था। धन्यवाद नीलो जी। अब इसके बाद मैं फिल्म अभिनेता श्री राकेश बेदी जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। भारतीय सिनेमा और टेलीविजन की दुनिया में राकेश बेदी एक ऐसे नामचीन अभिनेता हैं जिन्होंने अपने हर किरदार में अपने अभिनय की गहरी छाप छोड़ी है, और हर दौर के सभी छोटे बड़े कलाकारों के साथ काम करके अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है, वो भी हर माध्यम में, चाहे वो बॉलीवुड फिल्में हो, टीवी धारावाहिक हो, वेब सीरीज हो या फिर थिएटर के नाम
नाटक हो, सभी जगह वे सफल रहे हैं। सैकड़ों फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में अपने अभिनय का लोहा मनवा चुके हैं श्री राकेश बेदी जी हमारे परिवार का हिस्सा है और अपने बिजी शूटिंग शेड्यूल से टाइम निकालकर विशेष तौर से मुंबई से आए हैं और इसके लिए हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अभिनेता राकेश नमस्कार दोस्तों, मंच पे इतने महान महान हस्तियां बैठी हैं कि मैं क्या बोलूं, सब तो बोल ही चुके हैं आरजे रेखा जी के बारे में। और आरजे रेखा जैसे उनका नाम ही कहा भी उन्होंने कि आरजे नाम आरजे है तो वो खुद ही बोलती है, बहुत बोलने की उनका आदत, लेकिन आज वो बोलते बोलते जो भावुक हुई मुझे वो बड़ा अच्छा लगा। इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इससे साबित होता है कि उनके दिल में कलाकार है, एक कवि है। कि बगैर आदमी भावनाओं के जो आदमी होता है वो ऐसे होता है कि जैसे सूखा हुआ पत्ता हो जिसके अंदर कोई रस ना हो। जब मुझे इन्होंने कहा था रेखा जी ने कि मुझे वीडियो बना के भेजो, तो मैंने इनको वीडियो बना के भेजा, तो अभी मुझे मिलते ही बोली कि मैं डर गई थी आप वीडियो देखकर। तो मैंने क्योंकि मैंने वीडियो में ये बोला मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, बहुत नाराज हूँ तुमसे, ये क्या मतलब है तुम्हारा मुझसे कहती तो मुझे कहती ना मैं कर देता तुम्हारा काम है, तुमने कहा क्यों नहीं मुझसे। ऐसे ही मैंने कहा चलो शायद वीडियो देख के थोड़ा सा पहले कुछ उनका रिएक्शन आएगा फिर खुश हो जाएंगे। जी करता है उनके तमाम नाजो नखरे मैं उठा लूं, इजाजत दे तो उनकी जुल्फे शानों पे गिरा दूं। राकेश बेदी जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अगला चाहूंगा श्री विवेक गौतम जी, कवि हैं। तो विवेक गौतम राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने लेखन और कविताओं के माध्यम से अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाने वाले कवि, लेखक और शिक्षाविद हैं, जो सामाजिक और साहित्यिक जगत का एक प्रतिष्ठित नाम है। अनेक सम्मानों से अलंकृत डॉक्टर विवेक गौतम हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार की संचालन समिति के सदस्य रहे हैं। उनकी काव्य कृतियां, आलोचनात्मक कृतियां और सामाजिक विषयों पर आधारित लगभग 1.5 दर्जन किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। डॉक्टर गौतम गणतंत्र दिवस के अवसर पर लाल किले के मंच से काव्य पाठ करने के साथ साथ देश और देश के बाहर नॉर्वे, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका और मॉरिशस में अपनी काव्य प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। डॉक्टर गौतम अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक जिम्मेदारियों का निर्वहन अपनी उद्यम संस्था के माध्यम से पिछले 26 सालों से साहित्य की सेवा कर रहे हैं। श्री विवेक गौतम जी बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी, और मैं आपकी आवाज का बड़ा फैन हूँ। उससे पहले जो संचालन कर रहे थे उनका भी, और मैं आज ये रेखा जी को सुख मिला उसे हम कह न सके, दुख मिला उसे हम सह न सके, यूं ही बीत गया सब, हम मरे नहीं पर हाय कदाचित जीवित भी हम रह न सके। और जीवित रहने की जो शर्त है वो संवाद से है, डायलॉग से है। तो रेखा जी डायलॉग करती हैं, रेडियो के माध्यम से करती हैं, बीबीसी के माध्यम से करती हैं, एफएम गोल्ड के माध्यम से करती हैं, और आज तो कविताओं के माध्यम से भी कर रही हैं। बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया विवेक गौतम जी। अगला नाम है मशहूर राइटर एंड डायरेक्टर मिस्टर जेड एम शाह जी, प्लीज आप मंच पे आए। इन्होंने बहुत से दूरदर्शन धारावाहिकों का लेखन और निर्देशन किया है। ये 10 साल से जी सलाम से निर्माता के रूप में जुड़े रहे हैं। इनकी फेमस वेब सीरीज सभी ने देखी होगी जौनपुर, वो कामयाबी के पहले पायदान पर है। तो मैं चाहूंगा सर आप कुछ दो शब्द कहें। नमस्कार, सबसे पहले तो रेखा जी को बहुत बहुत बधाई। एक हमारे उस्ताद हैं, वो जो मैं अपने आप ही को मानता हूँ, उन्होंने मुझे बताया था कि लेकिन साहब कि साहित्य सीरा के ऊपर एक रेखा खींचना जो मैं आज तक नहीं खींच पाया, हालांकि आरजे रेखा ने खींच दी। तो ये जो है अब आप सीनियरिटी बेसिस पे कह लीजिए तो हम इनसे थोड़े से बड़े हैं, लेकिन अब ये है कि अगर हम साहित्य की बात करें
तो इनका कद हमसे बहुत बड़ा है इस वक्त, क्योंकि इनकी किताब है मार्केट में, तो हमारी किताब नहीं। और तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इनके लिए, और मुझे बड़ी खुशी है, मैंने इनकी किताब अभी पढ़ी नहीं है, जिस वक्त पढ़ूंगा फिर उसके ऊपर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले बहुत जल्द हम दूसरी किताब के विमोचन पर हम यहाँ पर उपस्थित होंगे। और इसी के साथ इनकी समृद्धि के लिए, इनकी तरक्की के लिए, इनके स्वास्थ्य के लिए और इन तमाम चीज़ों की दुआओं के साथ मैं इनको एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। इस भव्य समारोह के संयोजन और संचालन में जिन संस्थानों और व्यक्तित्वों का सहयोग और समर्पण रहा, उनमें वरिष्ठ पत्रकार महानगर मेल के ग्रुप एडिटर रणवीर गहलोत, वॉइस ओवर आर्टिस्ट मनीष त्रिपाठी, एक्ट्रेस प्रिया सिंह, आरजे और एपीएन न्यूज के पत्रकार रविंद्र सिंह, वरिष्ठ पत्रकार राजू बोहरा, समाज सेवी अजय बसोया, ओपन सर्च के ग्रुप एडिटर विजय कुमार, वीडियो एडिटर मुकेश टमटा, पत्रकार नवीन खाती, पत्रकार सुनीता तिवारी, शीतल चौहान, विवेक राठौर, पत्रकार धर्मेंद्र कुमार प्रमुख थे। समारोह में अपना वक्तव्य देते हुए बेहद संवेदनशील हृदय रखने वाली आरजे रेखा भावुक हो उठी। इसी क्रम में उन्होंने अपनी बेहतरीन कविता का पाठ भी उपस्थित लोगों के लिए किया। मेरे दिल की धड़कन है जो कागज पे उतारी है, पढ़ो दिल से या रहने दो, ये मर्जी अब तुम्हारी है। और बहुत सारे ऐसे रिलेशंस होते हैं जिनको हम अक्सर तवज्जो नहीं देते हैं, हमें लगता है कि ये बहुत सस्ते रिलेशंस हैं जो हमें इजीली मिल गए बिना किसी मेहनत के। उनमें से एक हम माँ बाप के रिश्ते को भी समझते हैं कभी कभी, दोस्ती का रिश्ता भी होता है जो हमें लगता है कि ठीक है सब हमारे साथ बने और ये हमेशा बने रहेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। बहुत जरूरत होती है कि हम हर रिश्ते को बहुत नजदीक से देखें, करीब से देखें, उन्हें समझें, उन्हें भावनाओं के साथ जोड़ें। और जब हम ऐसी भावनाओं के साथ किसी से भी जुड़ते हैं तो एक अलग ही बॉन्ड बनता है। समारोह में उनकी माता निर्मला देवी, पिता मामचंद और पूर्व शिक्षकों श्रीमती मधु, श्रीमती कविता जैन, श्री हरीश जोशी सहित उनके अनेक देश के अलग अलग हिस्सों से आए श्रोता सुरेंद्र खुराना, नवाब अहमद भारती, सलीम अख्तर, प्रेमचंद प्रेमी, अनिल ठाकुर, फारूख अली, दिलावर खान, रतीश मल्होत्रा, अनिल शर्मा, मोहम्मद सईद अब्बासी और गणमान्य लोग जिनमें बॉलीवुड अभिनेता कुलदीप शर्मा, आकाशवाणी से विनीता ठाकुर, प्रीति मोहन, अवधेश आर्य, अरुण होरा, रूपा धवन, मनोज कुमार, कवि अरविंद त्यागी नालायक, कवियत्री नेहा नहाटा, कवि विजय मित्तल, मित्र राजकुमार, देवराज और भाई भाभी और बहन सहित पूरा परिवार उपस्थित रहा। यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं वो सब मेरा परिवार है। आप लोग यहाँ आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये जो बुक का विमोचन हुआ है, आप लोगों के हौसले की वजह से ही शायद मैं कभी फिर से आप लोगों को एक बार आमंत्रित कर पाऊँ और दोबारा कोई ऐसी बुक निकले। उम्मीद है एक कहानियों की पुस्तक का एक कहानियों की पुस्तक लाने का आगे भविष्य में विचार है, तो जरूर अगली बार वो पुस्तक हम लोग साथ में लोकार्पण करेंगे। और इस वक्त क्योंकि सभी लोग अतिथि भी बहुत सुबह से आए हैं, दोपहर से, जो भी पूरा दिन लग जाता है आने जाने में, तो मैं समझ सकती हूँ कि सबको घर पहुँचने की जल्दी भी होती है। हमने बहुत सारा टाइम लिया आपका, आपने इतना वक्त हमें दिया, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े बड़े कवियों का मुझे आशीर्वाद मिला, इतने बड़े बड़े साहित्यकारों का, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों का मुझे आशीर्वाद मिला। अभी सारे श्रोता जो सामने हैं उनका, मेरे टीचर्स का, सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। रविंद्र जी जिन्होंने अपना सहयोग मुझे दिया, स्पेशली एफएम रेनबो से। हमारे साथ में बैठे हैं कुलदीप शर्मा जी जो जाने माने एक्टर हैं, टीवी पे आपने कई बार उन्हें देखा होगा। मनीष जी जिनकी आवाज़ आपने सुनी अभी ऑडियो में, वो उन्हीं की आवाज़ थी। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने ये जो छोटा छोटा सहयोग मुझे दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सहयोग था आपकी तरफ से इस आयोजन को सफल बनाने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए। थैंक यू सो मच। और बाहर एक काउंटर है, अगर आप वहाँ से परचेज करना चाहें तो बुक आप परचेज कर सकते हैं बाहर ही।
मुझे बड़ी खुशी है यहाँ आकर। मैं रेखा जी को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। 70 कविताओं को इकट्ठा करके एक खूबसूरत काव्य संग्रह जो उन्होंने आज रिलीज़ किया है, उसके लिए बहुत खुशी हो रही है। और ऐसी कविताएँ खूबसूरत अच्छे लोगों की हमेशा छपती रहनी चाहिए, जबकि सब जानते हैं कि आजकल किताबें कम छप रही हैं, और अगर छप रही हैं तो उनकी क्वांटिटी बहुत कम छप रही है। उसके बावजूद भी हिम्मत करके अगर इन्होंने किताब छापी है तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और बहुत सारी चीज़ें क्योंकि इंटरनेट पे पढ़ने को मिल जाती हैं तो लोगों की जो पढ़ने की आदत है वो थोड़ी सी कम होती चली जा रही है, और मैं ऐसे मौके पे अगर किताबें रिलीज़ होती हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि किताब देखकर पढ़कर जो समझ आती है वो शायद कहीं इंटरनेट पे पढ़कर इतनी समझ नहीं आती है, ये मेरा मानना है। और मैं तो कला और संस्कृति के जो भी कार्य होते हैं उनमें हमेशा भाग लेने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक पूजा है, एक भजन है, अपने आप में ये यज्ञ होता है। और एक किताब को छापने के लिए, बनाने के लिए कई कई महीने लग जाते हैं, कई बार तो कई साल तक को लोग अपनी किताब नहीं रिलीज़ कर पाते। तो ऐसे मौके पर जब किताब रिलीज़ हो रही है तो मुझे लगता है कि किसी एक नए बच्चे का जन्म हुआ है, और मुझे मुबारकबाद देने के लिए जरूर जाना चाहिए। कुछ अगर पंक्तियां आज के दिन कहना चाहेंगे इस मौके पर? मैंने बोली हैं पंक्तियां तो आपने शायद रिकॉर्ड की होंगी, नहीं तो वही दोबारा बोल सकता हूं कि रास्तों की दिलकशी अपनी जगह, चलने वालों की भी मर्जी चाहिए। यूं तो महफिल में हम पढ़ते रहे, सुनने वालों की भी मर्जी चाहिए। लाख आंसू इश्क भी रोए तो क्या, आसमानों की भी मर्जी चाहिए। अगर कविता आप पढ़ रहे हैं और आपको याद हो जाए तो मैं समझता हूँ इससे बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं। सर, आप बॉलीवुड से आते हैं, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो जो कलाकारों के लिए नहीं, देखिए किताब जैसे ये एक अच्छी किताब छपती है तो उसमें बहुत कुछ नया मसाला पढ़ने को मिल जाता है, और ख़ासतौर पे क्योंकि मैं तो खुद निर्माता हूँ और मैंने करीब 3,300 शॉर्ट फिल्मों का निर्माण किया है। मैं हमेशा नए आइडियाज़ को ढूंढता रहता हूँ, जो शॉर्ट स्टोरीज होती हैं या लॉन्ग स्टोरीज़ को भी शॉर्ट किया जा सकता है, और कविताओं में भी एक बहुत बड़ा कई बार एक कहानी का रूप मिल जाता है। तो ऐसे मौके पे ये किताब जो है मेरे पूरे पर्सनल कलेक्शन में चली जाएगी, और टाइम जैसे ही मुझे मिलेगा मैं ज़रूर पन्ने पलटता रहता हूँ, और इनमें से एक कहानियाँ, कविताएँ, लखोतियाँ, मुहावरे, शेर व शायरी ये पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि उनमें से बहुत कई बार खूबसूरत आइडिया निकल आते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि ये आरजे रेखा जी को पहले से जानता हूँ, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की अपने गहलोत जी के द्वारा। गहलोत जी बड़े परम मित्र हैं हमारे, और आरजे रेखा जी के मेंटर भी हैं, उनके बड़े अच्छे उनके गाइड हैं। तो जब ऐसा कुछ आदमी और अच्छा एक अवसर है तो मेरे पास वक्त था, कब वक्त नहीं होता तो मैं मना कर देता, लेकिन समय था तो समय होता है तो मैं हमेशा गहलोत जी को हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस देता हूँ, और आज से नहीं कहीं बहुत पहले से हमारा चला आ रहा है। तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आके, और बड़ा अच्छा संग्रह उन्होंने लिखा है, और मुझे पता नहीं था कि इतनी डेप्थ होगी उनकी राइटिंग में, जो मुझे यहाँ पर आके मालूम पड़ी। इतना बिना संभल के चल, थोड़ा सा कहीं फिसल, तभी तो अजनबी के साथ होगी मुलाकात। एहतियात बरतता जाएगा तो किससे क्या टकराएगा, तो कैसे ज़िंदगी के साथ होगी मुलाकात। मुझसे कहते तो ये कविता की किताब आज ही मुझे मिली है। आरजी रेखा जी से मैं पहले से परिचित हूँ, हमारे एक मित्र हैं राजू बोहरा जी और गहलोत जी, उनके द्वारा ही मेरी उनसे मुलाकात हुई थी आयोजन में, उनका भी अभिनंदन था मेरा भी। लेकिन ये नया रूप जो उनका कविताओं वाला आया है ये निश्चित रूप से बहुत ही प्रभावशाली है, और बैठे बैठे जितनी कविताएं मैंने पलटी हैं तो मुझे अच्छी लगी हैं, क्योंकि उसमें राइमिंग भी है और जिसे हम कहते हैं ना उसमें एक एसेंस होना, तत्व होना, तो कविताओं में कुछ है, अपना नयापन भी है और नए प्रतीक हैं, तो निश्चित रूप से कविताएँ महत्वपूर्ण होंगी ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि पूरी तरह से पढ़ी नहीं अभी मुझे मिली है किताब, तो ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन 70 कविताएं अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। और जो मैंने मंच से कहना चाहता था कि जो संवाद की बात है, जब हम संवाद करना छोड़ देते हैं, आपस में एक दूसरे से बोलना ही छोड़ देंगे, तो संवेदनाओं का शून्य होना स्वाभाविक है। यदि हम चाहते हैं कि संवेदनाएँ बनी रहें तो उसके लिए संवाद ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा, जो मैं पढ़ना चाहता था कि सपने जब साकार हो गए, सिर पर चढ़े उधार हो गए, संबंध हुए रुई की गांठें, सिर्फ बड़े आकार हो गए। संबंधों के आकार तो बड़े बड़े हो गए रुई की गांठों की तरह, लेकिन वजन नहीं है। वजन क्यों नहीं है? क्योंकि संवाद नहीं है। घर में सब अलग अलग अपने अपने कमरों में सो रहे हैं, डायलॉग नहीं है। जब डायलॉग नहीं है तो फिर
संवेदना कहाँ से आएगी, इमोशंस कहाँ से आएंगे, और इमोशंस के बिना कविता कहाँ से आएगी। तो लेकिन रेखा जी अपने मम्मी डैडी से, अपने परिवार से, अपने मित्रों से बहुत अच्छे से जुड़ी हुई हैं और वो उनके कविताओं में भी झलकता है। किताब की प्रस्तुति भी बहुत अच्छी है, जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा है, वो प्रकाशक को मैं बधाई देता हूँ और रेखा जी को बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, मैं जाहिद अहमशाह, कंटेंट राइटर, एक्टर, आज दिल्ली आने का मौका लगा और दिल्ली के अंदर इतना बढ़िया फंक्शन अटेंड करने का मौका मिलेगा ये मुझे मैंने सोचा भी नहीं था। और यहाँ पर आकर के जो है, जो पुराने दोस्त मिले, राकेश वेदी साहब थे, संदीप मारवा साहब थे और सुरेश नीरव जी, यहाँ पर ऐसी ऐसी महान शख्सियतों से आज मुलाकात हुई और इसका जो श्रेय है वो गहलोत साहब को जाता है, जो महानगर मेल वाले हैं, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का आमंत्रण दिया और मैं उनको तहे दिल से जो है उनका धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। अपना राजू वोरा जी का, हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पर जो ये इस वक्त प्रोग्राम था ये था आरजे रेखा की एक नई पुस्तक आई है, या नई कहें या पहली कहें, मेरे ख्याल शायद पहली ही पुस्तक है, मुझसे कहते तो, बहुत ही खूबसूरत नाम मुझसे कहते तो। इसके अंदर एक शिकायत भी है और एक इल्तजा भी है, दोनों ही चीज़ें इसके अंदर, बड़ा मुश्किल होता है कि किसी के अंदर सवाल भी हो और उसी के अंदर एक शिकायत भी हो, तो बहुत खूबसूरत नाम। मैं उनको शुभकामना देना चाहता हूँ कि जैसे मैं खुद एक लेखक हूँ, अभी तक मैंने जो है साहित्य की शिला के ऊपर कोई रेखा नहीं खींची है, लेकिन ये हमारी छोटी बहन रेखा जो है, आरजे रेखा, इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में ये साहित्य शिला के ऊपर एक दस्तखत कर दिए हैं। अब ये कितने मजबूत दस्तखत हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ और ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि ये दस्तखत बहुत मजबूत हों, इतने ज़बरदस्त सीमेंटेड हों कि आने वाली जो नस्लें हैं उनको जो है इससे प्रेरणा मिले। दिल्ली से कैमरामैन मुकेश तामता के साथ वरिष्ठ पत्रकार राजू बोहरा की रिपोर्ट।